नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 17 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुरुषी वोरा। तो सुरुषी वोरा पहली भारतीय बन गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड पिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। कोलकाता की हैं ये। 53 वर्षीय श्रुति वोरा, इन्होंने 7 जून 2024 को स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित FEI ड्रेसेज विश्व कप में CDI 3 इवेंट जीता है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है, तो इसमें भारत की रैंक है 129। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे आ गया है। इस बार है 129वें स्थान पर आ गया है भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला है आइसलैंड, और इस साल भी इसने अपना स्थान बरकरार रखा है और भारत इस बार 129वें स्थान पर आ गया है जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश 99वें स्थान पर है, नेपाल 111, श्रीलंका 125वें स्थान पर, भूटान 124 और पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 3, 2024 इंडिया IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दिल्ली में आयोजित किया गया इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 14 जून 2024 को नई दिल्ली में समाप्त हुआ है। उद्देश्य क्या था? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सदस्य राज्यों और संवाद भागीदारों के सरकारी और व्यावसायिक हितधारकों को एक साथ लाना, क्योंकि ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। 2 दिवसीय था ये भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन। 13 और 14 जून 2024 को सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो 14 जून को हर साल विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लोगों में सुरक्षित रक्तदान करने और दूसरों की जान बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को स्वैच्छिक रूप से सुरक्षित रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु पहली बार 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था। उसके बाद 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव पारित किया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस बार 2024 की जो विश्व रक्तदाता दिवस है, इसकी थीम रखी गई 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ये इस बार की थीम रखी गई थी। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय खिलाड़ी ने
2024 फिडे एफआईडी विश्व शतरंज जूनियर U20 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। 2024 फिडे विश्व शतरंज जूनियर U20 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? प्रिया दत्त ने। तो प्रिया दत्त ने ये चैंपियनशिप जीती है। दिव्य देशमुख, कोनेरो हम्पी, हरिका द्रोणावली और सौम्य स्वामीनाथन के बाद फिडे अंडर 20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय बन गई हैं प्रिया दत्त। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून 2024 को अंतरराज्यीय हवाई सेवा सुविधा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने भोपाल हवाई अड्डे से सेवा के तहत पहली उड़ान का उद्घाटन किया। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा एक अंतरराज्यीय हवाई सेवा है जो राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ती है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? जो G7 शिखर सम्मेलन है तो ये इटली में आयोजित किया गया है। तो इटली में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग है, इसने अपना चौथा चौथा स्थापना दिवस मनाया है। तो चौथा स्थापना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2024 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जून 2024 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में फिर से नियुक्त किया है। पूर्व IPS अधिकारी अजीत डोभाल को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आज 17 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें और वहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।